ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री, इट मींस एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री के है ना, तो ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस अप्लाई कर दोगे, देखो क्या बनेगी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है ना। ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री, इट मींस ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है यहाँ पर। अब इन सब के ऊपर क्या लगाना है, वही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ए बी पर देखो ये वही ये रहा ए बी, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे ए बी के ऊपर लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी ये रहा यहाँ पर एक्स वन वाई वन, एक्स वन की वैल्यू अब अपने पास आ गई है ना वन है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या बन गया आपका वन कोमा वाई, ठीक है ना, अभी फाइंड आउट की थी तो वो वैल्यू यहाँ पर यूज कर ली हमने, तो एक्स टू माइनस एक्स वन यानी वन प्लस वन हो गया, प्लस में वाई वन माइनस टू का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, तो ये हो गया ए बी का स्क्वायर। अब बी सी के ऊपर आ जाओ तो क्या बनेगा, देखो थ्री माइनस वन का स्क्वायर प्लस में टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, और पूरे का भी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि बी सी का स्क्वायर है, ये तो सिर्फ बी सी और ऊपर स्क्वायर इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर, भाई ए सी पर लगाओ ए सी ये आपका, तो थ्री प्लस वन का स्क्वायर प्लस में टू माइनस टू का स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर, रूट से स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गए, स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट है कैंसिल आउट, अंदर वाला सॉल्व कर दो, जो भी बचा ये अपना टू का स्क्वायर फोर, इधर से फॉर्मूला अप्लाई करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और इधर से क्या बना टू का स्क्वायर फोर प्लस है सॉरी बीच में, इधर फिर आइडेंटिटी खुलेगी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है, और इधर क्या बना फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और वो जीरो, रूट से स्क्वायर तो कैंसिल हो ही गए, अब सॉल्व कर दो यहाँ पर क्या बना, देखो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई वन माइनस फोर वाई वन माइनस एट वाई वन, और ये क्या बन गया फोर फोर और फोर, और एक बार ये रहा एक दो तीन चार सिक्सटीन है और उधर भी सिक्सटीन है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि टू वाई वाई वन स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया एट वाई वन बन गया, ठीक है, इसका मतलब वाई वन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई फोर वाई वन, ठीक है ना, ये टू डिवाइड में है कैंसिल आउट हो गया, तो एक वाई वन से एक वाई वन कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ये बना आपका या ऐसे नहीं तो वाई वन का स्क्वायर वो क्या लिख सकते हो वाई वन टू में वाई वन, और इधर से क्या है फोर वाई वन, ये वाई वन मल्टीप्लाई कर जाएगा डिवाइड में, तो एक ही बात है, ठीक है, यहाँ से भी y1 4 आ रहा है और यहाँ से भी y1 4 आ रहा है, तो y1 भी निकाल दिया भाई हमने, मतलब ये कोऑर्डिनेट पूरा निकल गया अपने पास, क्या है x1 की वैल्यू जो 1 थी और y1 की क्या निकाल दी है 4, तो b जो वर्टेक्स है उसके पूरे कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर दिए, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है ये बचे, भाई क्वेश्चन क्या था, दो कोऑर्डिनेट गिवन थे, दो फाइंड आउट करने थे वर्टेक्स के, तो दो गिवन थे एक के तो हमने निकाल दिए, अब ये बचा इसके निकालने, एक प्रॉपर्टी और यूज होगी भी, देखो दो तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल, दूसरी में ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, एक और बची कौन सी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, एसी और बीडी जो है बाइसेक्ट करते हैं, इट मींस कोऑर्डिनेट्स ऑफ एसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ बीसी, मतलब इनके ऊपर डायगोनल बाइसेक्ट करने वाला जो क्वेश्चन है, पैरेललोग्राम के हम दो क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं जहाँ पर हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया था, ध्यान होगा आपको, तो वही काम यहाँ पर करना है, एसी और बीडी बाइसेक्ट करते हैं तो इस पॉइंट पे निकल आएंगे, यहाँ से एसी पर लगाओ भाई क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बन रहा है एक्स वन प्लस एक्स टू यानी माइनस वन प्लस थ्री बाय टू कोमा टू प्लस टू बाय टू, ये तो एसी के हो गए, ऐसे ही बीडी के ऊपर अप्लाई करो यानी कि x प्लस वन बाई टू कॉमा वाई प्लस फोर बाय में टू, ठीक है, ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, तो ये क्या बना टू अपॉन टू यानी कि वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई टू, एंड ये बना फोर बाई टू यानी कि टू इज इक्वल टू वाई प्लस फोर बाय टू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो टू इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये इधर आकर माइनस एक्स की वैल्यू वन आ गई भाई, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई फोर इज इक्वल टू वाई प्लस फोर, तो y की वैल्यू क्या आ गई जी, तो
तो ये कोऑर्डिनेट भी निकाल दिया हमने, एक्स और वाई जिसको माना था इसको, तो एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 0। तो ये क्वेश्चन था, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना इसको, पॉज द वीडियो नोट इट। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कोई बड़ी गलती स्टेटमेंट है, अपने बुक में रीड कर लिया है, रीड कर लो मैं साथ ही साथ। द क्लास 10 स्टूडेंट्स स्कूल इन कृष्णा नगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर देयर गार्डनिंग एक्टिविटीज। क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं कृष्णा नगर में, उनको एक रेक्टेंगुलर शेप का पार्क अलॉट किया गया ताकि वो अपनी एक्टिविटीज में परफॉर्म कर सके। आगे देखिए, सैपलिंग्स ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री। सैपलिंग्स है गुलमोहर की, उनको जो है बाउंड्री के ऊपर प्लॉट किया गया है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, हर एक का डिस्टेंस है जो एक दूसरे से 1 मीटर है, फिगर आपको गिवन है इसके अंदर। देर इज ट्राइंगुलर ग्रासी लॉन इन द प्लॉट एज शोन इन द फिगर। ये पी क्यू आर जो डार्क करके दिखा रखा है ना, ट्राइंगुलर लॉन है इसके अंदर। तो क्या करना है, स्टूडेंट्स आर टू सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। ट्राइंगल को छोड़कर जो रिमेनिंग एरिया बच गया है उसके अंदर उन्हें क्या करना है, बीज बोने। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, टेकिंग ए एज ओरिजन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। कह रहा है ए को ओरिजन मान करके, ए जो है उसको ओरिजन मानना है, ए आपका कहीं इधर है और ट्राइंगल कुछ इस टाइप से गिवन है ना, इसको ओरिजन मान करके फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है ना, तो पी क्यू आर, तो ये आपको मेजर करना है। देखो क्यू के ऊपर 3 बन रहा है इस टाइप से, ए एस ओरिजन, ए डी जो है आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा ये वाला, और ए बी जो है वाई एक्सिस हो जाएगा। तो इधर जो यूनिट दे रखी है वो वाली मेजर करो, पी क्यू आर, तो पी के ऊपर बन जाएगा ये, जो इस टाइप से आप रफली ड्रॉ भी कर सकते हो, यहाँ से कोऑर्डिनेट्स मापने, जैसे मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल में बताया था ना, तो बी के आपके बनने 4 6, मतलब यहाँ पर वो 4 है और इधर 6 है, अपनी बुक में देखना, बी के 3 2, सॉरी क्यू के एक्स 3 है वाई 2 है, तो कुछ इस टाइप से बन रहा है, चेक कर लो उसमें मिला कर देखो। आर के जो है 6 5, यानी यहाँ पर 6 है वो और इधर क्या है 5, इस टाइप से उसमें कोऑर्डिनेट्स बताने फर्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखिए फिर क्या है, स्टेटमेंट पढ़िए अपनी सेकंड पार्ट की, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। कह रहा है ट्रायंगल पीक्यूआर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कब, इफ सी इज द ओरिजिन, अगर सी ओरिजिन हो, सी पॉइंट कहां पर है भाई, इधर, अगर सी ओरिजिन हो तो मापने, ठीक है। Also calculate the area of triangles in these cases, फिर उनका area of triangle भी निकालना है, and what do you observe, और आपने क्या observe किया ये भी बताना है। तो C को origin मानना है, मतलब triangle का मुंह उस तरफ घुमाना पड़ेगा, कुछ ऐसा होएगा, ठीक है, हमें घुमाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मेजर करना है। तो C के अकॉर्डिंग टू योर फिगर देखो क्या बन रहे हैं वहाँ से, टेकिंग C एज origin, C भी जो है अब आपकी ये एक्स एक्सिस बन जाएगी और सी डी जो है ये वाई एक्सिस बन जाएगी, इनको लेकर चलना है आपको, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, तो c के उस तरीके से मापने हैं, p ये यहाँ पर बन जाएगी, x तो आपका ये बन रहा है 12 और y जो है यहाँ से बन रहा है 2, ठीक है, फिगर को देखकर चेक करना आपको। ऐसे q के बन रहे हैं 13 और 6, मतलब q जो है आपको x के ऊपर 13 मिलेगा कहीं ना कहीं और y के ऊपर जो है वो 6 मिलेगा, 13 6, ऐसे r के क्या है 10 और 3। उसके बाद क्या करना है, इनका एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप इजीली निकाल सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूले तो अप्लाई करना है, तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है, यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है, बस यही गलती दिखाना है, ठीक है, पॉज द वीडियो। इस क्वेश्चन नंबर 6 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट देखिए इसी के आगे वाले, पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर, एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसके वर्टिसेस आपको गिवन है। A line is drawn to intersect AB and AC. एक लाइन ड्रॉ की गई है इंटरसेक्ट करने के लिए AB और AC को, कहाँ कहाँ पर, D पर और E पर। तो क्या करना है, such that ये रेशो आपको गिवन है AD upon AB is equal to AE upon AC is equal to 1/4. तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE. ADE का एरिया कैलकुलेट करना है और कंपेयर करना है इसको विद ABC. ठीक है, तो रिजल्ट को देखते हुए हम कंक्लूजन निकालते हैं। देखो आपको क्या कंपेयर करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई निकालना है और उसको कंपेयर करना है विद एरिया ऑफ ट्राइंगल
एबीसी, ठीक है, ओवरऑल काम ये। अब एबीसी के लिए देखो, एबीसी ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया आप इजीली निकाल सकते हो क्योंकि हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल अप्लाई कर देंगे यहाँ से, ठीक है। बट एडीई ना तो हमें डी ही पता है ना ही हमें ई पता है, तो इसके बिना हम एरिया निकाल ही नहीं सकते एडीई का। मतलब हमें क्या करना है, डी और ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, पहला काम ये है, ठीक है। तो उसके लिए मैं पहले वाला रेशियो उठा रहा हूँ यहाँ से, एडी अपॉन एबी इज इक्वल टू 1/4, ये जो है 1/4 के इक्वल है एडी अपॉन में एबी। देखो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं एबी अपॉन एडी तो क्या बन जाएगा, 4/1 यानी कि 4, ठीक है। क्यों किया ऐसा, क्योंकि एबी को देखो मैं ब्रेक कर सकता हूँ, एबी को इसमें एडी प्लस बीडी कर दो, एबी को मैं लिख सकता हूँ एडी प्लस डीबी, और डिवाइड में एडी एच डी इज इक्वल टू 4। डाउट इसमें एबी को क्या लिख दिया, एडी प्लस डीबी, एडी प्लस डीबी, ठीक है। अलग अलग कर दो आप इनको, यानी कि एडी अपॉन एडी क्या बन गया 1, और प्लस में क्या है डीबी अपॉन एडी इज इक्वल टू 4। क्या किया इसके अपने, अलग अलग कर दिया सेपरेट, एडी अपॉन एडी कैंसिल आउट 1 बचा, और डीबी अपॉन एडी कर दिया इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से डीबी अपॉन एडी की क्या वैल्यू आ गई थी, ये प्लस उधर जाकर माइनस, यानी कि 3 आ गया। ये रेशियो बन गया एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू 1:3, ये बन रहा है ये 3 है। इसको मैं यहाँ अलग से बना के दिखा रहा हूँ आपको, ए बी डी ए के कोऑर्डिनेट्स है 4, 6, बी के हैं 1, 5, और रेशियो है ये 1 है ये 3 है, ठीक है। देखो क्या किया मैंने, ये जो ए बी साइड है ना इसको यहाँ अलग से ड्रॉ किया है, डी पॉइंट ये रहा बीच में, इधर है ए के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बी के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, रेशियो अभी निकाला है 1:3, मतलब ए डी तो 1 है और डी बी कितना है 3। तो सेक्शन कोड में लगाएंगे, डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे यहाँ पर, तो लगाओ भाई, ये है एम ये है एन, x1 y1 x2 y2, तो mx2 ये बना प्लस में nx1 ये बना डिवाइड में m प्लस n, कॉमा my2 यानी 1 × 5 प्लस में ny1 6 डिवाइड में 1 + 3, तो ये बन गया आपका 1 + 12 / 4, इधर बना 5 + 18 / 4, यानी कि आ गया 13/4 / 23/4। इसके कोऑर्डिनेट आ गए डी पॉइंट के, मतलब जो पॉइंट इधर है इसके कोऑर्डिनेट निकाल दिए हमने 13/4 / 23/4, ठीक है। ई के कोऑर्डिनेट्स तो हमें फाइंड आउट हो गए हैं, अब हमें क्या करना है ई के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो देखो ये डिस्टेंस अगर यहाँ वन है तो इधर भी वन ही तो बनेगा, ये 1 और ये कितना है 3, मतलब अब क्या करना है ए सी पर डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ए सी को मैं अलग से रफली बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ए के कोऑर्डिनेट आपके 4, 6 है, सी के कोऑर्डिनेट 7, 2 है, और ई जो इसके कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, एंड व्हाट इज द रेशियो, रेशियो सेम अभी 1:3, तो वही आपको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। तो लगाओ यहाँ पर m रेशियो n है, x1 y1 x2 y2, तो m x2 हो गया 1 × 7 प्लस में n इंटू क्या हो जाएगा x1 यानी कि 4, और डिवाइड में m प्लस n, तो 1 + 3 कॉमा फिर जाएगा m y2, m है आपका ये y2 इंटू में 2 प्लस में n, और y1 क्या है 6 डिवाइड में 1 + 3, तो क्या बना देखो 7 प्लस में 12 अपॉन 1 + 3, और यहाँ से 2 प्लस में 18 अपॉन में 1 + 3, तो ये बन गया 19/4, और ये बन गया 20/4 यानी कि 5। तो ई के कोऑर्डिनेट भी पता लगे जो कि आ रहे 19/4 / 5। आप फाइनल रिजल्ट के ऊपर आ जाओ, ये दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। हमें क्या करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी के ऊपर हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है, और ए डी ई तीनों कोऑर्डिनेट पता है तो हीरोन्स फॉर्मूला सॉरी ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल का इजीली लगा सकते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, लेंथी है थोड़ा और इंपॉर्टेंट भी है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 7, क्या देखिए 4-5 पार्ट्स है इसके, इजी है बिल्कुल।
क्या करना देखो, लेट ए बी एंड सी बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। कोई ट्रायंगल है एबीसी, उसके वर्टिसेस आपको गिवन है। मान लीजिए ये ए है, दिस इज बी, दिस इज सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4.2, बी के आपके 6.5 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1.4। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स बी सी एट डी। तो ए से मीडियन आता है, वो बी सी को मीट करता है कहाँ पर, डी पॉइंट ऊपर। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, पहला काम तो फर्स्ट पार्ट में तो यही करना है, जो डी के कोऑर्डिनेट्स है वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो, डी इसका मीडियन है और डी अगर मीडियन है इट मीन्स डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, एक्स वन प्लस एक्स टू वाई टू कोमा वाई वन प्लस वाई टू वाई में टू। ठीक है, तो ये क्या बन गया ऐसे 7/2 कोमा 9/2, तो डी के कोऑर्डिनेट्स तो ये आ गए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ लिखा हुआ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, पी के कोऑर्डिनेट निकालने ए डी के ऊपर है, जो ए डी के ऊपर कोई पॉइंट पी है, सच दैट ए पी और पी डी का जो रेशियो होगा वो 2:1, मतलब इस टाइप से 2 तो ए पी है और पी डी कितना है 1। ठीक है, पहले ए पी है फिर पी डी है, तो ए पी और पी डी 2:1। तो क्या करोगे इसके ऊपर, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कोऑर्डिनेट्स किसके निकालने हैं, पी के निकाल लेना पॉइंट, हाँ पी के निकालने हैं। तो ये एक तरीके से आपका इस लाइन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ए डी पी पॉइंट इसके ऊपर है, ए पी पी डी और ए पी पी डी का रेशो क्या है 2:1। ठीक है, और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4.2 और डी के अभी फाइंड आउट किए हैं ये 7/2 9/2। इसको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, एम एक्स टू एम ए एम इंटू में एक्स टू, एक्स टू आपका ये प्लस में एन इंटू में एक्स वन, एक्स वन 4 है, डिवाइड में एम प्लस एन 2+1 कोमा एम वाई वन, एम टू है एम वाई टू सॉरी 9/2 प्लस में एन वाई वन डिवाइड में 2+1। तो सॉल्व कर दो इसको, 7+4 11/3 आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से 11/3 ही आ रहा है। तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q एंड R ऑन मीडियन BE एंड CE रेस्पेक्टिवली। देखो मीडियंस गिवन है दो, सच दैट एक तो पॉइंट P है और एक R है, किस किस मीडियम पर है, BE एंड CF। तो B ये रहा, E कहाँ जाएगा इधर, C ये रहा और F कहाँ जाएगा इधर, मतलब ये भी मीडियम है और इनके ऊपर पॉइंट्स है Q एंड R। कोई पॉइंट Q तो BE के ऊपर है एंड R पॉइंट्स ऑन CF, CF के ऊपर क्या पॉइंट है R पॉइंट है, सच दैट रेशियो भी आपको गिवन है बी क्यू रेशियो क्यू ई, बी क्यू रेशियो क्यू ई कितना है 2:1, मतलब ये 2 है ये 1, और सी आर रेशियो आर एफ, सी आर और आर एफ उसके ऊपर भी रेशियो कितना है 2:1। तो सेम काम करना है यहाँ पर भी, अब ये एक लाइन है, दोनों के कोऑर्डिनेट पता है हमें, और क्या फाइंड आउट करना है हमें, क्यू के कोऑर्डिनेट निकालना है। यहाँ पर देखो बी ई को मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, इधर सेकंड पार्ट इरेज कर रहा हूँ मैं, हाँ तो थर्ड पार्ट पर आ गए हम। ये देखो ये लाइन है ना बी ई, इसको अलग से ड्रॉ कर रहा है, ये बी है ये ई, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6.5, ई के हमें नहीं पता और क्यू क्यू के फाइंड आउट करने हैं, जब ई के नहीं पता तो क्यू के कैसे निकालेंगे। तो पहला काम तो क्या है, यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। तो ई के देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से इसका मिड पॉइंट है, देखो ए सी एक लाइन है और बी ई इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, ई इज मिड बी ई सॉरी मीडियन है, लिख देता हूँ यहाँ पर बी ई इज मीडियन, दिस इम्प्लाइज अगर बी ई मीडियन है तो ई मिड पॉइंट हो गया किसका, ए सी का, दिस इम्प्लाइज ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला ई के कोऑर्डिनेट निकाल दो यहाँ से, ए सी के ऊपर है क्या बनेगी, देखो 4+1/2, 2+4/2, तो ये आ गया 5/2, 6/2 यानी कि। ठीक है, ये ई के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हमने, यहाँ पर लिख दो 5/2, 3।
और रेशियो आपको गिवन है बी क्यू और क्यू ई का रेशियो, बी क्यू टू है ये वन है। तो अब तो सिंपली सेक्शन फॉर्मूला ये अप्लाई करना है, तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इधर क्या बन जाएगा, देखो एम ये है एन ये है, तो एम एक्स टू फाइव बाई टू प्लस में एन एक्स वन डिवाइड में टू प्लस वन, ठीक है। फिर क्या आएगा एम वाई टू, एम इंटू में वाई टू है थ्री प्लस में एन और वाई वन कितना है फाइव डिवाइड में टू प्लस वन, तो ये कैंसिल इलेवन बाई थ्री आ रहा है यहाँ से, सिक्स और फाइव इलेवन बाई थ्री यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये किसका कोऑर्डिनेट आ गया अभी इस क्यूब पॉइंट के ऊपर आ गया, और ये क्यूब पॉइंट कहाँ समवेयर ऑन दिस लाइन बी, ठीक है। फिर क्या करना है आर के भी निकालने हैं, और आर किसके ऊपर है सी एफ के ऊपर, उसके बाद निकालेंगे, ठीक है। इन देन पॉजिटिव वीडियो नोट कर, तो भाई यहाँ पर थर्ड पार्ट में हमने क्यू के कोऑर्डिनेट तो निकाल दिए, अब आर के निकालते हैं, ठीक है। आर कहाँ पर है क्यू कौन सी लाइन के ऊपर है सी एफ के ऊपर, सी एफ ये, तो इसको ऐसे अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, सी एफ है आर के पॉइंट इसके ऊपर है, और सी आर और आर एफ का रेशो जो भी बना वो है टू रेशो वन। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है लिखे हुए थे क्या थे देखना स्टेटमेंट के अंदर, सी के कोऑर्डिनेट्स, हाँ सी के कोऑर्डिनेट्स इसमें गिवन है वन कोमा फोर ये, ठीक है। सी के तो वन कोमा फोर है, एफ के अगेन हमें नहीं पता अभी, क्या पता है नहीं पता, यहाँ है और आर के हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन देखो सी एफ एक मीडियन है, इसका मतलब एफ मिड पॉइंट है ए बी का, लेकिन बिकॉज सी एफ इज मीडियन दिस इंप्लाइज एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और एफ जो ए बी का अगर मिड पॉइंट है इसके ऊपर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करो, यहाँ से क्या बनेगा देखो फोर कोमा सिक्स बाई टू कोमा टू कोमा फाइव बाय टू, ये बन गया टेन अपॉन टू यानी फाइव और ये सेवन बाय टू, ठीक है। तो ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए एफ के आ गए, तो ये क्या नंबर एफ के फाइव कोमा सेवन बाय टू, ठीक है। अब क्या करना है आर के निकालने, तो क्या अप्लाई हो रहा है सेक्शन फॉर्मूला, ये दोनों कोऑर्डिनेट पता है रेशो पता है, तो निकाल दो एम एक्स टू एम एन एम इंटू में एक्स टू प्लस में एन इंटू में एक्स वन डिवाइड में एन प्लस एन कोमा एम वाई टू प्लस में एन वाई वन डिवाइड में टू प्लस वन, तो ये देखो कितना बन गया इलेवन बाई थ्री, और ये टू से टू कैंसिल इलेवन बाई थ्री, ये भी क्या बन गया इलेवन बाई थ्री। तो एक चीज नोट करने वाली है यहाँ पर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट और अब पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट तीनों के कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं, तो ये पूछा फोर्थ पार्ट में व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पी क्यू एंड आर हैव सेम कोऑर्डिनेट्स, और ये कोऑर्डिनेट्स अगर सेम हो तो क्या कंडीशन बन रही है दिस इंप्लाइज यहाँ पर कोई पॉइंट होगा ओ दैट विल बी सेंट्रोइड, ओ विल बी सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये होती है ना सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी, क्या होता है सेंट्रोइड वो पॉइंट जहाँ पर सारे सारे मीडियन अगर इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं सेंट्रोइड बोलते हैं, तो यहाँ पर बीच में कोई ना कोई पॉइंट ओ ले लेंगे हम दैट विल बी कंसिडर्ड एज सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। फोर्थ पार्ट हो गया, फिफ्थ में आ जाओ आप, इफ ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, आप वर्टिसेस चेंज कर दिए, ए के है एक्स वन वाई वन, बी के अपने पास एक्स टू वाई टू और सी के हैं एक्स थ्री वाई थ्री, तो कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, जो सेंट्रोइड अभी हमने ओ माना है ना ओ कोई पॉइंट है यहाँ पर बीच में उसके सेंट्रोइड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो करते हैं उसको टिल देन पॉज अभी नोट कर लो, तो फिफ्थ पार्ट में आपने जो सेंट्रोइड बना है वो उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लें, ठीक है। तो ये देखो डी मिड पॉइंट है बी सी का, इस लाइन को मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, ये जो है ना ए डी, ए ये है ई ये डी ए डी के कोऑर्डिनेट नहीं पता हमें, बट डी जो है मिड पॉइंट है बी सी का, तो यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा एक्स टू कोमा एक्स थ्री बाई टू कोमा वाई टू प्लस वाई थ्री बाई टू, ठीक है। ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए इस पॉइंट डी के, बिकॉज डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो यहाँ पर लिख दो एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई टू कोमा वाई टू प्लस y3 by 2, ठीक है। अब हमें सेंट्रोइड भी निकालने, सेंट्रोइड कहाँ यहाँ पर है बिल्कुल बीच में जहाँ पर P, Q और R इंटरसेक्ट करते हैं,
देखो एक प्रॉपर्टी होती है, अगर AD मीडियन है ना तो O डिवाइड्स करता है AD को इन 2:1 ऑलवेज, ठीक है। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन। ये प्रॉपर्टी हमने क्लास 9th में भी पढ़ी है 10.4 के अंदर, जहां पर लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तीन स्टूडेंट्स बैठ के फोन पे बात कर रहे, सैयद अंकुर एंड डेविड, उस टाइप से। तो वहां पर भी ये प्रॉपर्टी हमने यूज की कि जो ओ है, अगर ये मीडियन है तो मीडियन जो है इसको डिवाइड करता है किस रेशो में, 2:1 में, ठीक है। यानी कि ये 2:1 है यहाँ से। अब तो इसको पॉइंट निकाल लें, सारी चीज़ें पता है, तो लगाओ सेक्शन फॉर्मूला। MX2, एम ये है, एन ये है, MX2 कौन है भाई, ये है आपका X2, X2 प्लस X3 डिवाइड में 2, ये पूरा X2 है, प्लस में एन इंटू में X1, ये है डिवाइड में, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, फिर एम वाई टू पर आ जाओ, एम वाई टू कौन है, ये ना वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइड में 2 प्लस में एन वाई वन क्या है, कुछ वाई वन ही डिवाइड में 2 प्लस 1, डिवाइड में एम प्लस वन होता है, ठीक है। तो ये क्या बना, 2 से 2 कट गया भाई, X1 प्लस X2 प्लस X3 डिवाइड में क्या आ गया 3, जहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, तो y1 प्लस y पर क्या आ गया 3 आ गया। तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए भाई, सेंट्रोइड भी आ गए, तो यहाँ पर कहीं बना था। सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन, नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर पहले स्टेटमेंट पढ़िए भाई, क्या है, ABC इज अ रेक्टेंगल, ABC एक रेक्टेंगल है, चार कोऑर्डिनेट्स गिवन आपको, आगे क्या है, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स है AB के, BC के, CD के और AD के। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इज द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, जो क्वाड्रिलेटरल बनना है यहाँ से, ये पी क्यू आर एस बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, वो क्या बन रहा है, स्क्वायर रेक्टेंगल और रोमबस, स्क्वायर बनेगा रेक्टेंगल बनेगा या फिर रोमबस बनेगा, इन तीनों में से बताना, ठीक है। ऑन ये पी क्यू आर एस फिगर देखकर कुछ ध्यान आ रहा है, कहाँ पढ़ा था ये क्वेश्चन, 8.3 क्लास 9 ऐसे कुछ था ना, मिड पॉइंट प्रॉब्लम वाले फर्स्ट क्वेश्चन 8.2 में किया था ना ये क्वेश्चन, क्लास 9 में ऐसे क्वेश्चन था। वहां पर क्या करते थे हम, पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम प्रूव करते थे बाय प्रॉपर्टीज से। अब यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेट सिमेट्री का यूज करना है और इनमें से बताना है कि ये इन तीनों में से क्या बनेगा, ठीक है। तो करते हैं शुरू, देखो पहले बात तो इनके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। हम क्या करने वाले हैं, पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करके चारों साइड्स और दोनों डायगोनल सेट करेंगे कि इन तीनों में से कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अगर चारों साइड्स इक्वल डायगोनल इक्वल हो तो स्क्वायर, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल डायगोनल इक्वल तो रेक्टेंगल, और चारों साइड्स इक्वल बट डायगोनल नॉट इक्वल तो क्या बनेगा, रोम्बस, ठीक है। तो चेक करते हैं, पी के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट गिवन है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लो, -1 प्लस में ये डिवाइड में 2 और -1 प्लस में 4 डिवाइड में 2, ठीक है। इधर से क्या बना, -1 प्लस 5 डिवाइड में 2 और 4 प्लस 4 डिवाइड में 2, मिड पॉइंट से करेंगे 5 प्लस 5 बाय 2 और -1 प्लस 4 बाय 2, ठीक है। और यहाँ से इज दिस विजिबल, यस, और यहाँ से इनको ऐड करो, -1 प्लस 5 बाय 2 और -1 -1 बाय 2, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, इस चारों साइड्स निकालनी है, पी क्यू निकालना है, क्यू आर निकालना है, आर एस निकालना है और एस पी निकालना है, और उसके बाद डायगोनल्स भी निकालने हैं, यानी कि पी आर और एस पी, ये छह चीजें निकालनी है, ठीक है। और सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स पता है, तो अगर प्रॉपर्टी मैंने बता दिया, क्या कैसे निकलेंगे ये भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला, सभी के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है। सबके कोऑर्डिनेट्स आपको पता लग गए, ये क्या है, जिसकी -1 बनेगा और ये क्या बनेगा 3/2, इस टाइप से चार कोऑर्डिनेट्स पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सी प्रॉपर्टी, अगर चारों साइड इक्वल यहाँ तक और डायगोनल भी इक्वल तो स्क्वायर, चारों साइड इक्वल डायगोनल नॉट इक्वल रोम्बस, और अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल तो रेक्टेंगल, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है, कर सकते हो ना, हाँ जी हो जाएगा, यस सर।